जीवन में सफलता पाना है तो पहले अपनी सोच बदले। मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, सोचने के पैसे नहीं लगते, लेकिन फिर भी हम ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाते। गरीब इंसान जल्दी अमीर बनने की नहीं सोच पाता। एक छोटा कर्मचारी अपनी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने की नहीं सोच पाता। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। दोस्तों, हमें जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। आज की कहानी में हम जानेंगे कि बड़ा सोचना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब परिवार से था। मोहन पढ़ा लिखा था और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए, क्या पता दूसरे शहर में जल्दी नौकरी मिल जाए। अगले ही दिन मोहन ने किसी से थोड़े पैसे उधार लिए और ट्रेन का टिकट खरीद कर दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन वो दूसरे शहर की तरफ रवाना हो गया। उसकी माँ ने उसे सफर में खाने के लिए एक टिफिन में रोटियां रख दी। मोहन का परिवार गरीब था, इसलिए उनके घर में सब्जी एक ही टाइम बनती थी। ऐसे में मोहन की माँ ने टिफिन में सिर्फ रोटियां रखी। जब मोहन का आधा सफर तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। मोहन जिस तरह से रोटी खा रहा था, उसे देखकर उसके आसपास बैठे लोग उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे। मोहन पहले रोटी तोड़ता और उस टुकड़े को टिफिन में डालकर खा लेता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रोटी के साथ सब्जी खा रहा है, लेकिन उसके टिफिन में रोटी के अलावा कुछ नहीं था। आसपास के लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात उनके भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास तो केवल रोटियां ही है, तो उसे बार बार टिफिन में डालकर क्यों खा रहे हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर मोहन ने कहा, मेरे पास केवल रोटियां ही है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी डालकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है। मोहन बोला, मैं रोटी और अचार के बारे में सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो उनमें से दूसरा व्यक्ति बोला, दोस्त अगर तुम्हें सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचते, फिर अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर ही सोच लेते, इस तरह तुम उनका स्वाद भी ले पाते और अपनी रोटियों को और भी मजे से खाते। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी हैसियत होती है, और बदले में हमें मिलता भी उतना ही है। हम अगर छोटी सोच रखेंगे तो हमारी कामयाबी भी छोटी होगी। बड़ा सोचने का मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में बड़ी सफलता पानी है तो उसके लिए बड़े सपने भी देखने जरूरी है। अगर आपके सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। सोचने से डरो मत, सोचा हुआ कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता। खुद पर विश्वास रखो और अपनी छोटी सोच को बड़ा करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।